जो पुरुष है इस पर रस गंध वर्ण से शून्य है। गुण पर्याय संभेता, गुण से पर्याय से युक्त है। दादा संपूर्ण द्वाद सांग में तीन की व्याख्या है। संपूर्ण द्वाद सांग में जितने विश्व में ग्रंथ लिखे गए हैं, लिखे जाएंगे, लिख रहे हैं, वे तीन की व्याख्या करते हैं, कोई समझे ना समझे। बालक क्या नाम है? आगे बोल। सिंह नहीं लगाता। हाँ तो सिंह मत छोड़ भाई, दीपक सिंह यादव। देखो भैया अध्यक्ष जी, चातुर्मास ये बालक कितने किलोमीटर से चल के आया तुम यहाँ? 1800 किलोमीटर चल के आया मात्र समय साथ सुनने के लिए। उसका नाम क्या? दीपक सिंह यादव। भगवान नेमिना स्वामी का वंशज है वो, नारायण कृष्ण का। अब दीपक देख बेटा, अवस्था बदल जाएगी। अवस्था समझ में आ रहा ना? अवस्था बदल जाएगी। ये खड़ा कौन है दीपक? जल्दी बैठ बैठ बैठ, खड़ा हो जा। बालक बैठा कौन था, खड़ा कौन है? जब बैठे तब अवस्था भिन्न थी, खड़े होने अवस्था। दीपक वही है, दीपक वही है। ओ मित्र, जो मनुष्य पुरुष हो जाता है वो स्त्री भी हो जाता है, स्त्री हो जाता है वो नपुंसक भी हो जाता है, पर आत्मा वही रहती है। ये ध्रुव है। इसे नहीं जानते, इसे नहीं जानते। मैंने दीपक प्रतिज्ञा की बेटा, जब तुम्हारे गांव से निकले थे ना, उस मंदिर में हमने प्रतिज्ञा की थी कि जिनवाणी के बाहर कुछ बोलने का नहीं है। और जगत के लोगों ने, एक महात्मा जी ने कुंडलपुर दमोह में, बड़े बाबा कुंडलपुर दमोह में, एक महात्मा जी ने मेरी हंसी की। वो हंसी ये की कि विश्व सागर जब प्रवचन करेंगे तो जनता सोएगी और माइक वाला रोएगा। क्यों भाई, रोत नहीं रहा? क्या बोले? ये घटना 1996 की है। 1996 में कुंडलपुर में आचे विराग सागर जी का पूरा संघ का सम्मेलन हुआ, पूरा संघ आया हुआ था। तो एक महात्मा जी हमसे मालूम क्या बोले, बोले आप तो ऐसा है आत्मा आत्मा चिल्लाना, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने उन्हीं के सामने देख दीपक क्या किया, ऐसे उंगली रखी और नमोकार मंत्र पढ़ा। देखो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं जब भी व्याख्या करूँगा समय सार पर करूँ, ग्रंथ रख के करूँगा, और तुम देखना कि लोग सोएंगे रोएंगे कि आनंद लेंगे। कुंडलपुर की घटना है, लेकिन प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा मतलब, यदि मैं आज स्विट्जरलैंड की व्याख्या करूँ, इंग्लैंड की व्याख्या करूँ, अमेरिका रूस की व्याख्या करूँ, तो इसमें हमारे भारत की क्या बात? तुमने प्रचार दूसरे का किया ना। मैं दुनिया के नेता अभिनेता की, ऋषि मुनियों की बात करूं तो उसमें बात किसकी की? भगवान महावीर की बात तुमने कहां की? इसलिए बालक मित्र जिनसन भट्टारक जी, ये चेहरा मुस्कुराने के लिए बात मत करना, हृदय के मुंह का ताला तोड़ने की बात करना। कौन खड़ा है, बैठेगा कौन? देख बेटा, जिस व्यक्ति को आपका खड़ा होना अच्छा लग रहा है, प्रमोद ज्ञानी, जिसको दीपक का खड़ा होना अच्छा लग रहा है, यदि मैं दीपक को बिठा लूं तो वो क्या करेगा? मेरी तरफ चेहरा बिगाड़ेगा, उदास हो जाएगा, रोएगा। और जिसको बैठाना अच्छा लगता है वो मुस्कुराएगा। पर आप क्या करोगे?
प्रमोद जल्दी बोल, समय नहीं अपने पास, आप क्या करोगे? अमित आप क्या करोगे? एक व्यक्ति को दीपक का खड़ा होना अच्छा लगता है, एक को दीपक का बैठना अच्छा लगता है, आप क्या करोगे? मित्र तटस्थ है, बोले मुझे तो एक दीपक मित्र है, चाहे खड़ा हो चाहे बैठा हो, हमको दोनों में अच्छा लग रहा बराबर। बस बैठो बेटा, अब सुनिए ध्यान से। घटमूली श्रोणार्थी नासुतस्त्वयम् सोप्र मध्यस्थम जनयति स हेतुकम्। जनयति स हेतुकम्, खड़े रहो बेटा। घट मूल्य शरणार्थी जो व्याख्या सुन रहे हो, इसके ऊपर आचार्य समन्तोद स्वामी ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया आप्तमीमांसा ग्रंथ में, और विश्व का सर्वोर न्याय शास्त्र है, उसका नाम आप्तमीमांसा अष्टसहस्री टीका, जिस पर समय अच्छी खेती करना चाहते हो दीपक, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, खेत देखना पड़ेगा। अच्छे ज्ञानी बनना चाहते हो तो खेत भी नहीं जाना पड़ेगा, ग्रंथ देखना पड़ेंगे। अच्छे निर्ग्रंथ बनना चाहते हो तो ग्रंथ भी नहीं, निज आत्मा को देखना पड़ेगा। एक सज्जन ने हमसे कहा, भट्टा रख जी, बोले आजकल बहुत प्रचार हो चुका आपका। हमने मतलब, एक सज्जन ने कहा हमसे एमपी मध्य प्रदेश में, बहुत प्रचार हो चुका आपका, अब तो प्रभाव बढ़ते चला जा रहा है। मैंने कि कहना क्या चाह रहे हो आप? बोले कोई कार कम ले लो हाथ में, अब तो सेठ साहूकार बहुत आने लगे आपके पास। मैंने मतलब, बोले कोई तीर्थ बना लो। मैंने कहा ज्ञानी समझ, मेरा तीर्थ मेरे गुरु मुझे बना के दे के गए हैं। मालूम, मैंने उससे कहा मेरा तीर्थ मेरे गुरु मुझे बना के गए हैं, दे के गए हैं। बोले कौन सा, कहां पर है? सुन, रणत तीर्थम, रत्नत्रही तीर्थ है, उसकी सेवा में कर रहा हूं, मुझे कोई दुनिया में जाने का नहीं। यदि अन्य तीर्थ में चला गया तो रत्न तीर्थ ध्वस्त हो जाएगा, और रत्न तीर्थ को सुरक्षित करना है तो अन्य तीर्थ प्रयोजन की जरूरत नहीं। ये सब तीर्थ बनाएंगे भट्टारक जी, हम दर्शन कर लेंगे। पर मेरे पास एक तीर्थ है, इकलौता तीर्थ है मेरा, उसका नाम रत्नत्रय धर्म है, वही हमारा तीर्थ है। जितने तीर्थ बने, रत्नत्रय तीर्थ न होता होता तो दुनिया में कोई तीर्थ ही नहीं हो सकते थे। क्या हुआ? हे मित्र, ये क्या है, ये क्या है? अब तो बोल अवस्था, ये क्या है अवस्था? सीधी टेढ़ी रिजु वक्र, ये अवस्था है, अंगुली अंगुली है बस। तो घट मोली श्रोणार्थी, एक घट है मटका, किसका? सोने का। माना कि दीपक नाम का बालक राजकुमार है, इसकी बहन राजकुमारी है, इसका पिता राजा है, माना कि बराबर। अब जो है राजकुमार चाहता है मुझे सोने का मुकुट मिले, मोली यानी मुकुट, घट यानी कलश, और राजकुमारी कहती मुझे कलश चाहिए सोने का। बेटा यदि कलश फूटता है, कलश टूटता है तभी तो मुकुट बनेगा, बराबर। कलश मिटेगा तभी तो मुकुट बनेगा ना। कलश मिटा तो कुमारी क्या करेगी? बोल बोल, कुमारी क्या करेगी? रोएगी ना, शोक करेगी। ओ कुमार, सम्राट सम्राट
कुमारी रोएगी, कुमार हंसेगा, राजकुमारी रोएगी, राजकुमार हंसेगा, लेकिन राजा क्या करेगा? रोएगा कि हंसेगा? हे मित्र, कुमार है तो राजा का, कुमारी है तो राजा की, और चाहे मुकुट बने चाहे कलश रहे, सोना उसी घर का है। सोना किसका? राजा का। जिसे सोना दिख रहा है वो मेरे मित्र मुकुट को देख करके और कलश को मिटाने पर भी न रोएगा न हंसेगा। ऐसे मित्र जिन्हें शरीर दिख रहा है, स्त्री दिखती है, वो स्त्री के मरने पर रोएगा। जिसको पुरुष दिखता है, पुरुष के मरने पर रोएगा। जिसको नपुंसक दिखता है, नपुंसक मरने पर रोएगा। और जिसे आत्मा भगवान दिखता है, न रोएगा न हंसेगा, जो है सो है। बैठ जा, यही समय सार है। अब कभी नहीं भूलेगा घर जाकर के अवस्थाएं, अवस्थाएं बोलो बोलो, सबका मुंह नहीं क्या? अवस्थाएं पर्याय, पर्याय परमशील है, पर्याय परिणामी है, परिणामी पर्याय अपरिणामी में होती है, अपरिणामी ना हो तो परिणामी किसमें होगा? पर्याय परिणामी है, पर्याय परमशील है, जो परमशील है उन पर क्या हर्ष विषाद? अपरिणामी है, उसका आनंद लो, उसका नाम आत्मा। इसलिए अच्छे बाबू, समझ में आ रहा है क्या? गहरे में जाइए। बेही बिलखते पंडित जी, बेही बिलखते हैं, बेही मुस्कुराते हैं, जिनको वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं होता है, ने वस्तु स्वभाव का ज्ञान होता है, वो न हंसते हैं न रोते हैं, दोनों ही कसाएं होती हैं, वे मात मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थ होते हैं। जिनसेन जी, अपनी कमेटी से बोल देना कि पता नहीं तुमको कौन से भव का पुण्य तुम्हारे पल्ले में रखा था, इतने भव्य जीवों के लिए आप वस्तु तत्व का ज्ञान कराने के निमित्त बने हो। मित्र, प्रभु का अभिषेक तो पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी हो जाएगा, वो जलाभिषेक हो जाएगा मित्र भगवान का, लेकिन ये ज्ञानाभिषेक चल रहा है इन सभी भगवानों का। जिन जिन भगवंतों का अभिषेक होने वाला है, वो सारे के सारे प्रभु भगवान तभी बने हुए जब इनने आत्मा का अभिषेक कर लिया था ज्ञान से। कोई प्रश्न आपको? कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। ज्ञान अभिषेक किए बिना किसी का अभिषेक होने की योग्यता ही हासिल नहीं होती। जिनको भविष्य में अपना अभिषेक भी कराना हो, भगवान बनके तुम्हें अपनी मूर्ति बनवाना हो, तो पहले मृत दिगंबर योगी बनके समय सार में डुबकियां लगाना पड़ेगी। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे की चाकरी करने के लिए अध्ययन नहीं करना पड़ता। डलिया कोई भी ढो सकता है, बोलो अध्यक्ष जी, डलिया कोई भी ढो सकता है, पर जिसके घर की डलियां ढोती हैं उसके लिए योग्यता चाहिए। चोली यानी डलियां कोई भी ढो सकता है। अनपढ़ आदमी भी रोड की डलियां ढोने के योग्य तो हो ही जाता है। कर्मों की डलियां ढोने के लिए यशोधर सागर जी, कर्मों की डलियां ढोने के लिए यशोधर सागर जी, जगत में कोई भी हो सकता है, लेकिन आत्ममहल में निवास करने के लिए सम्राट बनना पड़ेगा। क्या एक स्वभाव का? चिच्चिद एवा मित्र अमुक्षु, मैं कोई भजन भी नहीं गा रहा, कोई नृत्य भी नहीं चल रहा है, कोई गाना भी नहीं चल रहा है, फिर भी मग्न है। इनसे पूछो, ये मग्न किस में है?
महावीर पाटनी जी देह ज्ञानी सब मगन है। प्रत्येक देश के वक्ता को भ्रम निकाल देना चाहिए कि किस प्रांत में, किस देश में, किस नगर में वस्तु स्वभाव को कहें। वस्तु स्वभाव किस नगर में कहें? वस्तु स्वभाव तो डगर डगर में होता, तुम किस नगर की बात कर रहे हो? मुख्यो नाते पोते, इनके नाते पोते में गया था मैं एक बार, मैंने प्रवचन किया, वहां एक सज्जन खड़े हो गए भरी सभा में, बोले मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं झेल सकता। मैंने क्या हुआ? बोले आप मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हो। मालूम सुनते सुनते भरी सभा में वो खड़ा हो गया, बोले पता नहीं क्या होने लग गया आपको सुन करके। मैंने कहा मित्र घबरा मत, ब्रेन वॉश किए बिना बॉस बनता कौन? सही बात है ना, गलत मैं कहते ही नहीं हूं, उनकी बुद्धि गलत है जो हमें गलत मानते हैं, उनकी बुद्धि बेचारी गलत है, वे भी ठीक हो जाएंगे कुछ दिन बाद। जो जो गलत मानते हैं वे सब ठीक होने वाले हैं। मारीचि भी आदिनाथ को गलत मानता था, लेकिन उसको भी स्वीकार करना पड़ गया कि आदिनाथ सही है, तभी महावीर बन पाए वो। डॉक्टर किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाया, सही में दया नहीं आई है? दया नहीं आई? ऐसा बोलो दया थी इसने तो लगाया, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा था? ये डॉक्टर हत्यारा हत्यारा इंजेक्शन लगा रहा मुझे, मारे देता है, लेकिन जब स्वस्थ ठीक हो जाता है, उसका पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, फिर मुस्कुरा क्या बोलता है, डॉक्टर साहब आपने मुझे बचा लिया। ऐसे में जितने इंजेक्शन लगाता हूं ना, इस मंच से बैठ करके वे सब रोते हैं, बोले बहुत हत्यारे बोल रहे, लेकिन जब उनको थोड़े दिन बाद समझ में आता है कि बात सही थी, फिर कहते डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया आपने।